डिप्रेशन, अवसाद, बेशक ये आपके कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे ही कर्म हैं जो अब हमारे लिए अवसाद बन चुके हैं। पर हमारे कर्म से जुड़ा हुआ एक और तथ्य है जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, और वो है मोह। क्योंकि डिप्रेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिससे हमें मोह है। मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेम अपनी जगह है, पर डिप्रेशन मोह से जुड़ा हुआ है। इसे कुछ हम ऐसे समझते हैं जैसे कि एक पौधा है, बहुत बार सुना होगा आपने एग्जांपल, लेकिन आज फिर सुनो क्योंकि ये ज़रूरी है। एक पौधा है जिसमें एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है। यदि आपको उस फूल से मोह है तो आप क्या करेंगे? उस फूल को तोड़ के अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे। पर यदि आपको उस फूल से प्रेम है तो आप उस पौधे को पानी देंगे, उसे खाद देंगे, उसे सहेज कर रखेंगे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक समय के बाद वो फूल बड़ा होगा, खिलेगा और फिर मुरझा करके सूख के गिर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जड़ों में पानी दे रहे हैं, जड़ों को सींच रहे हैं, और वो पौधा और नए फूलों को आपके लिए खिलाएगा, वो खुशबू आप तक आएगी। आपको इस बात से भी मोह नहीं है कि वो फूल कोई और तोड़ कर ना ले जाए, क्योंकि आप प्रेम उस पेड़ से कर चुके हैं, आपको प्रेम है उस फूल से, तो यहाँ कोई डिप्रेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप मोह में फंसे हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे कि कोई और उस पेड़ को ध्यान दे, या पेड़ में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मुझे तो ये फूल चाहिए, ये फूल आपको पसंद आया, आपको इस फूल से मोह हुआ, आप उस फूल को तोड़ लिए। या फिर अगर आप पेड़ को सींच भी रहे हो तो भी उस फूल को तोड़ लिए और अपने पास लेकर चले गए। या तीसरा, अगर उस पेड़ को आप सींच रहे हो और कोई और इंसान उस फूल को तोड़ के ले गया, तब भी आपको बड़ा तेज गुस्सा आएगा और अब आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि वो उस पेड़ से वो फूल टूट गया। अब यहाँ पे दो हम चीज़ देखी, एक यदि आप खुद उस फूल को तोड़ लेते हैं तो फूल कुछ टाइम के बाद खुशबू देना बंद कर देगा, वो शाम तक मुरझा जाएगा और गल के ख़त्म हो जाएगा। तो फूल सड़ गया, ख़त्म हो गया, तो दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करें, अब दूसरा फूल चाहिए, अगर दूसरा फूल नहीं मिला तो फिर अजीब सा लग रहा है। कहीं ना कहीं उस फूल से आपने अपनी अपना परिचय जोड़ लिया था, अपना अपना अस्तित्व जोड़ लिया था, कहीं ना कहीं आपने डेंगे हाँ की तो देखो मेरे पास इतना अच्छा फूल है, तो ये कहीं ना कहीं मोह की वजह से आपको डिप्रेशन आएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान आपका फूल तोड़ के लेके आया तो आपको बहुत तेज़ दुख हुआ, आपको गुस्सा आया और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने अच्छे से इस पेड़ को सींचा, मैंने इसे सब कुछ किया, मैंने सब कुछ इसे प्रेम से रखा और कोई और कैसे लेके जा सकता है, तब भी गुस्सा आएगा और फिर वो डिप्रेशन का कारण बनेगा, कभी ना कहीं अवसाद का कारण बनेगा। इससे एक और एग्जांपल की तरह समझते हैं, जैसे बेटियां होती हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं और एक समय के बाद उनमें पंख निकलते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बेटे पढ़ाई नौकरी के लिए या ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं और वहीं जाके बस जाते हैं, विदेश जाके बस जाते हैं, बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं। बेटियां बड़ी होती हैं, पढ़ती लिखती हैं, माँ बाप की बहुत प्रेम से सेवा करती हैं और एक दिन शादी होकर चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, मोह में नहीं फंसते, प्रेम में रहते। थोड़ा मोह होता है सबको, लेकिन एक समय के बाद उनको रियलाइज़ हो जाता है, समझ जाते हैं कि अब हमें अपने बच्चों से प्रेम करना है, मोह में नहीं रहना है। और तभी एक पेरेंट्स अपनी, माता पिता अपनी बेटी को किसी अच्छे वर के हाथों में विदा करते हैं। उन्हें उस समय बेशक प्रेम होता है तो वो रोते भी हैं, विदाई में दोनों रोते हैं, लेकिन वो मोह की आखिरी कड़ी होती है, वहाँ से मोह खत्म होता है और प्रेम आगे बढ़ता है। जब बेटे भी अपने घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए या ट्रेनिंग के लिए या कहीं और बसने के लिए, तो वो जो आखिरी अलगाव होता है, बिछोह होता है, बिछड़ा होता है, उस टाइम एक दुख होता है, तो वो मोह की आखिरी घड़ी होती है जहाँ से आप आगे बढ़ जाते हैं और फिर प्रेम रह जाता है, हमेशा प्रेम ही आगे बढ़ता है। वैसे सेम एग्जांपल मैं अपने घर के आम पेड़ का भी दे सकता हूँ, जिसके मोह में मेरी मम्मी फंसी हुई है। हर साल जब आम फलता है तो इतने मोह में रहती है कि मोहल्ले का कोई भी बच्चा या कोई भी लोग अगर उसका आम तोड़ ले
या पत्थर मार देते, मम्मी को पीड़ा होने लगती है। मम्मी खुद भी नहीं तोड़ती उस आम को कि पकेगा, बड़ा होगा, फलेगा, चौड़ा होगा और फिर उसको वो गिरेगा तो हम खाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई और तोड़ देता है तो उनको बड़ा दुख होता है। रोज़ एक बार वो कलेश करती है, पूरे साल में इतना वो नहीं चिड़चिड़ाती जितना वो आम के इस मौसम में चिड़चिड़ाती है। खैर खैर, ये तो हंसी की बात है, लेकिन हाँ, मुँह से ही डिप्रेशन का जन्म होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुँह इसका मूलभूत कारण होता है। 80% कारण मुँह ही होता है। तो थोड़ा निर्मोही होइए, है ना, मुँह से थोड़ा दूर रखिए, हो जाइए। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, द पावर ऑफ लव, इस पर किताब लिखी गई है, रोंडा ब्रांड ने किताब लिखी गई है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है और मुँह उतनी ही बड़ी निर्बलता। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है, वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती है ना। तो मुँह आपकी कमज़ोरी है और प्रेम आपकी ताकत है। जैसे कि नई नई गाड़ी हमने खरीद लेते हैं ना, तो उससे प्रेम होना चाहिए। मुँह की वजह से कुछ इधर उधर लग लुगा गया तो हम पड़ोसियों से लड़ बैठते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, अपने घर वालों को ही गंदा गंदा सुना देते हैं कि तुम गाड़ी लेकर के गए थे, इसमें स्क्रैच आ गया, और संबंध खराब हो जाते हैं। तो मुँह हमेशा आपका जीवन में प्रॉब्लम ही लेकर आएगा। तो थोड़ा निर्मोही होना जरूरी है। अति निर्मोही होना भी गलत है। अति निर्मोही होने से भी आप उन सारी चीज़ों से सांसारिक रूप से नहीं जुड़ पाएंगे। वो सन्यासियों का काम है, वो जो वैरागियों का काम है अति निर्मोही होना, है ना। तो थोड़ा बैलेंस करके चलें जिससे लाइफ सुखद हो जाएगी। तो चलिए, आज के अध्याय में इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। मैं हूँ आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।